फिल्म जो पठान बनी हुई है उसमें हमारे भगवा रंग का अपमान किया गया है और इसको लेकर के लगातार हमारे सनातन धर्मावलंबी विरोध कर रहे हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस से आचार्य, आज हमने जो है शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है और मैं खोज रहा हूं, अगर वो कहीं मिल गया फिल्म जिहादी शाहरुख खान, उसको मैं जिंदा जला दूंगा। ये भगवान क्या जुलूम है। अयोध्या से जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा है कि अगर शाहरुख खान मुझे मिला तो जिंदा जला दूंगा, अगर कोई और ये काम करता है तो उसका केस मैं लड़ूंगा। शाहरुख खान की फिल्म आ रही है पठान। पठान मूवी के गाने में दीपिका पादुकोण ने जो भगवा कपड़े पहने हैं उस पर कुछ लोगों को आपत्ति है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान के बाद मामला और गर्मा गया। इसी बीच ये आचार्य का वीडियो वायरल है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने आचार्य को घेरना शुरू कर दिया। पत्रकार स्वाति मिश्रा ने ट्वीट कर कहा, अयोध्या के संत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा है कि वो शाहरुख खान की चमड़ी उधेड़ कर जिंदा जला देगा। इसी आचार्य ने कहा था कि अगर भारत 2 अक्टूबर तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो वो जल समाधि ले लेगा। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि पानी के अंदर जाकर इससे बात किसने की। इसी पर तंज कसते हुए पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने उन्हें घेरते हुए कहा, ये लोग हिंदू धर्म सनातन धर्म के प्रचारक हैं। ऐसे महान ऋषियों मुनियों को नमन करता हूँ। भारत देश की महान विरासत को ऐसे महान संत दुनिया भर में पहुँचाएंगे। जय बाबा की। एक के बाद एक ट्वीट कर लोगों ने आचार्य को भयंकर ट्रोल कर दिया। एक तरफ पठान मूवी का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो बिना देखे बॉयकॉट कर रहे हैं।